हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर मुनीश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक स्पा थेरेपिस्ट की जर्नी क्या होती है, क्योंकि अगर आप स्पा थेरेपी का कोर्स करने का सोच रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि स्पा थेरेपी अपनी जर्नी को कैसे, स्पा थेरेपिस्ट अपनी जर्नी को कैसे कंप्लीट करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि तीन पॉइंट के ऊपर फोकस होता है एक स्पा थेरेपिस्ट का। जब भी अपना वो काम शुरू करता है तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है लर्निंग, यानी कि एक स्पा थेरेपिस्ट जो बनने से पहले आपको स्पा थेरेपी को सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि सीखने की जरूरत है, और वो भी बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत है। और उसके बाद एक बार अगर आप लर्निंग कर लेते हैं तो आपका जो स्टेप शुरू होता है वो होता है अर्निंग का स्टेप। और अर्निंग करने के लिए ज्यादा करके जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं तीन मेथड, जिसमें सबसे पहला जो मेथड आता है स्पा जॉब्स का, और स्पा जॉब्स के साथ साथ दूसरा जो मेथड होता है वो है स्पा का फ्रीलांसिंग, और इसके साथ साथ तीसरा होता है स्पा सेंटर ओनर। लेकिन कुछ थेरेपिस्ट बड़े ही एप्रिहेंसिव होते हैं कि वो स्पा थेरेपी तो सीख लेते हैं लेकिन उनके पास दो चीजों की कमी वाकई में होती है, नंबर वन सर्टिफिकेट की और दूसरा है स्पा की प्रैक्टिकल की स्किल की। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप कहीं पर स्पा की जॉब लेने जा रहे हैं और जैसा कि हमारे पास भी पूरे इंडिया से स्पा थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट आती है, तो उनका हमसे एक ही रिक्वेस्ट होता है कि प्लीज आप हमारे पास सर्टिफाइड थेरेपिस्ट भेजिए, और इसके साथ साथ ऐसे थेरेपिस्ट भेजिए जिन्होंने प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा उनको नॉलेज होना जरूरी है। और ये जो भी काफी सारे थेरेपिस्ट जो जॉब नहीं ले पाते हैं उनके पास यही एक प्रॉब्लम होती है कि या तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता लेकिन स्किल होती है, या फिर स्किल सर्टिफिकेट होता है और स्किल उतनी ज्यादा नहीं होती। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है जॉब में टिके रहने के लिए, स्पा का जॉब लेने के लिए। और दूसरा जो पॉइंट मैंने बोला कि फ्रीलांसर, तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, काफी सारे लोग फ्रीलांसिंग, जब स्पा थेरेपिस्ट बन जाता है कोई इंसान तो वो फ्रीलांसिंग से डरता है। वो क्यों डरता है उसका मैं वजह बताता हूं आपको। अगेन सेम पॉइंट यहां पर भी निकल कर आता है, लेट्स से कि आपको स्पा सर्विसेज बहुत अच्छे से करना आता है, और अगर आप एक क्लाइंट के पास गए, अब आपको ये बात पता है कि जैसे खाना रोज जरूरी है इसी तरीके से स्पा का एक शेड्यूल होता है और क्लाइंट को कंटिन्यूअस बेसिस पे मसाज लेना जरूरी होता है। और अगर आप एक अच्छे थेरेपिस्ट हैं जिनको अच्छे से मसाज आता है और प्लस आपके पास सर्टिफिकेट भी है, तो डोंट यू थिंक कि जो क्लाइंट आपसे सर्विस ले रहा है वो आपको बार बार बुलाएगा, isn't it? तो इन शॉर्ट बोलने की जो बात है वो यही है कि आपके पास ये स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप यहां पर थोड़े से भी डाउटफुल हैं कि या तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपके पास स्पा की उतनी ज्यादा स्किल नहीं है, आपने सारी की सारी थेरेपी सीखी नहीं है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा डरेंगे कि मैं फ्रीलांसर बनूं या नहीं बनूं। तो ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी हमारे इंस्टीट्यूट से भी जो लोग कोर्स करके जाते हैं तो कई बार हमने ऑब्जर्व किया है कि वो जॉब्स की बात करते हैं बट वो ये भूल जाते हैं कि जॉब में भी स्किल की उतनी ही रिक्वायरमेंट है, और एक फ्रीलांसिंग जब आप करते हैं तब भी आपको स्पा स्किल बहुत अच्छे से आना जरूरी है। और अगर मेरी बातों में आपको कुछ सेंस लग रहा है तो नीचे कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताएं और वहां पर लिखें सेंस इन द कमेंट्स। और तीसरी जो कैटेगरी है वो होती है स्पा ओनर की। तो स्पा ओनर का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अगर आप स्पा थेरेपिस्ट हैं, आपने स्पा थेरेपी सीख लिया, आप कमाने के लिए आप स्पा सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि क्या क्या सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, स्पा की स्किल भी मिल जाए, ताकि आप ये चेक कर पाओ कि आपने जिन थेरेपिस्ट को हायर किया है वो बहुत ही अच्छा काम जानते हैं और वो क्लाइंट की नीड, डिजायर एंड प्रॉब्लम को समझते हैं, और उस हिसाब से आपको किस तरीके से हायरिंग करना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन का अगर आपको जानकारी हो, तो डोंट यू थिंक कि आपका जर्नी काफी आसान हो सकता है। अब ये सब अगर सबके पास है भी, अगर आपके पास ये चीजें हैं भी कि आपने लर्निंग भी अच्छा कर लिया है, अर्निंग के लिए आप कोई ना कोई मेथड यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्पा जॉब का है, फ्रीलांसिंग का है, या स्पा सेंटर बन के ओनर आप बनते हैं, तो तीसरा जो चैलेंज आपके पास आता है कि काफी सारे थेरेपिस्ट को देखा है कि वो अच्छे से लाइफ में फिर भी ग्रो नहीं कर पाते। तो ग्रो क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे कुछ वजह है, जैसे कि आपको नहीं पता होता
कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा समस्या आता है। और अगर आप ऑलरेडी स्पा थेरेपिस्ट हैं तो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आप समझते होंगे कि मैं कौन सा अगला कदम लूं ताकि मैं नेक्स्ट लेवल पर जा पाऊं। तो ये चैलेंज अगर आपने दिमाग में फेस किया है तो प्लीज नीचे कमेंट में टाइप करें माई नेक्स्ट स्टेप आई डोंट नो, तो ये बिल्कुल आपको टाइप करना चाहिए। और ये सॉल्यूशन जो एंड टू एंड सॉल्यूशंस हैं हम प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा जो चैलेंज आपके सामने आता है जो आपको ग्रो करने से रोकता है कि नेक्स्ट स्टेप तो पता है बट ये नहीं पता कि ये स्टेप हमें ग्रो करेगा। हो सकता है कि हमें देखने से या हमारे दिमाग में सोचने से हमें लगता है कि ग्रो करेगा बट जरूरी नहीं है कि वो स्टेप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो, हो सकता है कि वो एक नुकसान का स्टेप भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट मैं जो बोलने की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे होती है लैक ऑफ गाइडेंस, कि काफी सारे स्पा थेरेपिस्ट बनने के बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि इस बिजनेस को बड़ा कैसे बनाना है, फ्रीलांसिंग में बड़े क्लाइंट कैसे हायर करने हैं या कैसे लेकर आने हैं बड़े क्लाइंट, और या फिर स्पा जॉब्स में किस तरीके से कंसिस्टेंटली हमें काम करते रहना है। तो जो लैक ऑफ गाइडेंस है तो इसका भी एंड टू एंड सॉल्यूशन हम हमारे यहाँ पर देते हैं। तो जैसा कि मैंने तीन पॉइंट के ऊपर बात किया है, सबसे पहला स्टेप है लर्निंग, फिर उसके बाद अर्निंग और उसके बाद ग्रो। तो यानी कि अब मुझे इसके अलावा कोई चौथा पॉइंट नहीं है जहां पर जिसकी जानकारी ना होने की वजह से आप अटक सकते हैं। अगर आपको ये तीन पॉइंट फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है और हम जो हमारे कोर्सेज में जब आप इनरोल होते हैं तो तीनों पॉइंट के ऊपर ही बात होती है, ना कि सिर्फ कोर्स को सिखा दिया और उसके बाद आपको फ्री कर दिया। तो एंड टू एंड सॉल्यूशंस की बात होती है यहाँ पर। और अगर आप इन चीजों को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे स्पा वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। और उसको वेबिनार को अटेंड करने का एक बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो उस टेलीग्राम लिंक को आपको ज्वाइन करना होता है और वहां पर हम हमारे जो वेबिनार का जो डिटेल्स होता है वो हम वहां पर सेंड करते हैं और वहां से आप हमारी जर्नी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप एंड टू एंड सॉल्यूशन यानी कि लर्निंग से लेकर ग्रोथ तक का रास्ता आप हमारे साथ तय करना शुरू करते हैं और वहां से आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर डेफिनेटली पाएंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर मुनीश शर्मा साइनिंग ऑफ।